Good to see you, students. This is Baqir. Welcome to the third lecture of the Age of Industrialization. इस लेक्चर में हमारा टॉपिक होगा हैंड लेबर. स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हम बात करेंगे हैंड लेबर के बारे में. लास्ट लेक्चर की मदद से हमने देखा कि 18th सेंचुरी में जितने भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुए थे वो बहुत ज़्यादा स्लोली हुए थे और उस पीरियड को हम प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं. हमने ये भी पढ़ा था कि जितने भी उस टाइम मर्चेंट्स थे वो मशीन से ज़्यादा वर्कर्स को प्रिफर करते थे. हम इस लेक्चर में उन्हीं वर्कर्स की लाइफ को स्टडी करेंगे. स्टूडेंट्स, ये जो वर्कर्स थे ये बहुत ज़्यादा पुअर थे. इसके दो रीज़न थे. पहला रीज़न था लो वेजेस और दूसरा रीज़न था सीजनलिटी ऑफ वर्कर्स. पहला रीज़न था कि इनको वेजेस बहुत कम दिए जाते थे क्योंकि उस टाइम पर वर्कर्स की शॉर्टेज नहीं थी बल्कि जितने वर्कर्स की डिमांड थी उससे ज़्यादा वर्कर्स की अवेलेबिलिटी था. यानी उस समय वर्कर्स की तादाद बहुत ज़्यादा था जिसकी वजह से वो कम वेजेस में काम करने के लिए तैयार हो जाते थे. यानी कुछ ऐसे भी वर्कर्स थे जो तादाद ज़्यादा होने की वजह से यानी अवेलेबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से कम वेजेस में भी काम करने के लिए तैयार हो जाते थे. और दूसरा रीज़न था कि वर्कर्स को उस टाइम सीजनली एम्प्लॉय किया जाता था. इसका मतलब है कि इनको सीजन टू सीजन एम्प्लॉय किया जाता था जिसकी वजह से वो एक साल में काफ़ी टाइम तक अनएम्प्लॉयड भी रहते थे. इन दोनों रीज़न की वजह से वो पुअर थे. स्टूडेंट्स, अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या आपको क्या लगता है कि वो टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करते होंगे. आई होप कि इसका आंसर आप सबको सोचना होगा. अगर मैं बता दूं तो स्टूडेंट्स उन्होंने टेक्नोलॉजी को अपोज किया क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो गए तो लेबर की ज़रूरत और कम हो जाएगी जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयड होगी. इसलिए वर्कर्स टेक्नोलॉजी को सपोर्ट नहीं करते थे. सो स्टूडेंट्स, हमारा लेक्चर यहीं पे एंड होता है. So that's all about this lecture. Next lecture में हमारा topic होगा industrialization in the colonies. Students, आप सबको क्या करने हैं, इन सारे lectures को आपको बार 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 repeat करके देखना है. साथ में अगर हो सके तो इन lectures को जो है आप अपने mobile में download भी कर सकते हैं या download आपको करना चाहिए. और आपको एक साइट पर अपना कॉपी मेंटेन करना है और लेक्चर्स की नोट्स जो है वो आपको अपनी कॉपी पर ज़रूर बनाने हैं. नोट्स बनाने से क्या होगा कि आपको रिपीट करने में
یا ریوائز کرنے میں بہت ہی ایزی ہو جائے گا. سو جتنا ہو سکے آپ لیکچرز کو ڈاؤن لوڈ کر کے بار بار دیکھو, یوٹیوب پر بھی آپ بار بار دیکھ سکتے ہیں, اور کاپی جو ہے آپ کو مینٹین کرنے ہیں اور نوٹس اس کی فارم کرنا ہے, آپ کو بنانے ہیں اپنے کاپی پر. سو اسٹوڈینٹس تھینک یو سو مچ, ہیو اے گڈ ڈے.